नमस्कार दोस्तों, और वक्त है इस महीने के बेस्ट फोन्स अंडर 20,000 पे नजर डालने का। अब इस बार दोस्तों नाम बहुत डिफरेंट है और कुछ जो बहुत ही अच्छे फोन्स थे वो अब अवेलेबल भी नहीं है, तो लिस्ट थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो आइए पता लगाते हैं इसके बारे में, प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहला फोन है दोस्तों लिस्ट में Redmi Note 11T 5G। एंड अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो यहां पे आपको 8GB प्लस 128GB मिलता है 19,999 का, विद MediaTek Dimensity 810, 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD 90Hz का पैनल है, 50MP प्लस 8MP का कैमरेज है यहाँ पे, रियर कैमरा 16MP का सेल्फी है, 5000mAh की बैटरी विद 33W चार्जिंग। अब अगर प्रोस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 810 का जो प्रोसेसर है वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे दामों में मिलता है। एंड उसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको MIUI 12.5 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मिंग फोन। मतलब अगर डिज़ाइन देख लो, ये सारी चीज़ देख लो, तो इट्स ओवरऑल गुड पैकेज। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो दो कमियां मुझे लगी वो ये कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जो डिस्प्ले है वो एटलीस्ट AMOLED 90Hz होना चाहिए था, LCD 90Hz पैनल। इट्स नॉट दैट गुड, बिकॉज अगर आप Redmi Note 11 देखते हैं जो कि बहुत सस्ता था, उसमें भी दोस्तों आपको 90Hz AMOLED पैनल देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इसका जो कैमरा है वो थोड़ा और बेटर हो सकता था, इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आउट देयर इन दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग। तो ये दोनों के अलावा दोस्तों इट्स अ वेरी गुड फोन, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं तो दोस्तों वो है टेक्नो पोवा, मतलब पोवा मतलब पावर 5G। एंड टेक्नो पोवा 5G में एकदम एक चीज में ध्यान दिया वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया फोन है, बिकॉज इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 900 का चिपसेट, जिसमें आपको UFS 3.1 की मेमोरी भी मिलती है, 6.9 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले है जो कि IPS LCD 120Hz है, 50MP का प्राइमरी कैमरा विद 2MP एंड QVGA कैमरा, आई डोंट नो व्हाई, 16MP का सेल्फी कैमरा, 6000mAh की बैटरी विद 18W चार्जिंग। तो यहाँ पे दोस्तों अगर प्रोस की बात करें तो डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, डिजाइन इसका फोन का ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज दिस इज ग्रेट। MediaTek Dimensity 900 एट दिस पर्टिकुलर प्राइसिंग इज वेरी गुड फोन, एंड बैटरी लाइफ और बैटरी चार्जिंग स्पीड भी यहाँ पे काफी ज्यादा सही है। लेकिन दोस्तों जो दो चीजें इस फोन में कमी है वो ये कि आपको जो मेगापिक्सल मतलब अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिलता, और जो एक कैमरा 50MP का दैट इज इट, उसके अलावा बाकी के दोनों कैमरा किसी काम के नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको OS मिलता है वो शायद सबकी बस की बात नहीं है, तो वो जो OS है इट इज लाइक इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाए, डेवलपमेंट में नहीं था, लाइक इट इज नॉट एज गुड एज रियलमी UI एंड MIUI, तो वो एक सोचने की बात है, ठीक है। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं तो वो है Samsung Galaxy M32 4G जो कि 16,999 रुपए का है, 6+128 विद Helio G80, 6.4 इंचेस, सुपर AMOLED 90Hz, 6000mAh बैटरी, 64MP प्लस 8MP। तो ये दोस्तों Samsung का फोन है जो कि मैं उन्हीं को रेकमेंड करूंगा जिनको सिर्फ और सिर्फ Samsung का ही फोन खरीदना है और बाकी किसी फोन की तरफ देखना भी नहीं है, बिकॉज कैमरा वाइज गुड है, डिस्प्ले वाइज अच्छा है, वन UI भी काफी ज्यादा सही है, सब कुछ बढ़िया है, बट इसका जो प्रोसेसर और उसका जो चिपसेट है और जो प्रोसेसिंग पावर है, जो स्टोरेज है, वो थोड़ा आउटडेटेड है, एंड वो आगे जाकर के स्लो हो सकता है, एंड इट इज नॉट अ 5G फोन ऑल्सो। तो मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आपको 5G वगैरह कुछ मिल रहा है, नहीं, आप 5G में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, प्रोसेसिंग पावर में भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो आप इसको आगे 1-1.5 साल के लिए ही चला पाओगे मैक्सिमम, ठीक है। बट अगर आपको Samsung का फोन लेना है तो मैं बोलूंगा कि भाई वेट कर लो, इनकी जो नई सीरीज होगी शायद उसमें ये बेटर हो जाए। तो Samsung फैन बॉयज प्लीज वेट इफ यू बाइंग अ फोन राइट नाउ। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आईको Z5 के तरफ जो कि है 8+128 20,000 रुपए के आसपास, स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर, 6.67 इंचेस फुल HD प्लस 120Hz IPS LCD, 64MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP प्लस 2, 5000mAh की बैटरी विद 44W चार्जर। इट्स अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी फोन, एंड चूंकि दोस्तों अभी पोको X3 प्रो आउट ऑफ स्टॉक है तो ये एक बढ़िया फोन हो सकता है। इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, कैमरा की बात करी जाए, डिजाइन की बात करी जाए तो काफी ज्यादा सही है। बस इसमें दोस्तों जो दो कॉन्स है वो है, इसमें आपको AMOLED पैनल नहीं मिलता है, एंड उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको फन टच OS मिलता है, तो फन टच OS सबके बस की बात नहीं होती, एंड इट इज नॉट दैट गुड एन OS। जैसे कि मैंने आपको टेक्नोपोवा में बोला था कि दीज OS आर नॉट दैट रिफाइंड, दैट्स अबाउट इट, बट फॉर परफॉर्मेंस अगर आपको PUBG चलाना है तो इट इज अ वेरी गुड फोन। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ, Realme 9 Pro। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर है, 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120Hz IPS LCD पैनल, 64MP प्लस 8MP का कैमरा है, 16MP का सेल्फी और 5000mAh की बैटरी है विद 33W चार्जर। प्रोस की अगर बात करें तो काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है, Realme UI काफी ज्यादा सही है, स्नैपड्रैगन 695
बहुत बढ़िया प्रोसेसर है, आप नंबर्स पे मत जाओ, इट इज अ गुड प्रोसेसर, ऑल डे बैटरी लाइफ एंड सपोर्ट्स 5G। एंड यहाँ पे दोस्तों जो दो कॉन्स हैं वो ये कि AMOLED डिस्प्ले नहीं है और स्टीरियो स्पीकर नहीं है। AMOLED डिस्प्ले और स्टीरियो स्पीकर होता तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड फोन। उसके अलावा इफ यू कैन लिव विद अ नॉन AMOLED डिस्प्ले और अगर आपको ऑन फोन स्पीकर्स इतने अच्छे नहीं चाहिए, यू कैन गो अहेड एंड बाय दिस फोन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों Motorola G71 5G की तरफ, जो कि आता है 18,999 रुपए के आसपास। Snapdragon 695 का प्रोसेसर है, AMOLED 60Hz है, 5000 mAh की बैटरी, 30W चार्जिंग एंड 50+8 MP का कैमरा एंड 16 MP का यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो अगर प्रोस की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉइड है, ThinkShield सिक्योरिटी के साथ, कलर एक्यूरेट AMOLED डिस्प्ले है, ऑफकोर्स 90Hz नहीं है, 60Hz है, बट इट्स ओके, 90Hz होता तो और बेटर होता। इकोनॉमिक डिजाइन है सिर्फ 179 ग्राम्स की और 13 5G बैंड्स हैं, तो इन सब मामलों में ये फोन काफी ज्यादा सही है। कॉन्स की अगर बात करें तो डिजाइन वाइज इतना बढ़िया नहीं है, कैमरा जो सिस्टम है, जो फोटो खींचने का जो तरीका है, जो वो UI है, वो इतना बढ़िया नहीं है। और उसके अलावा अगर 90Hz AMOLED होता तो काफी ज्यादा बढ़िया बात होती, बट उसके अलावा इट्स अ डिसेंट फोन अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन चाहिए इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। नेक्स्ट दोस्तों फोन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि Redmi Note 10 Pro 4G जो कि लास्ट ईयर का फोन है। एंड बेसिकली दोस्तों मैं आपको यही बात बोलना चाहूंगा कि ठीक है Redmi Note 10 Pro 4G फोन है, इट इज अ वेरी गुड फोन, इट्स एन एब्सोल्यूट ब्लास्टर फोन, बट इनके दोस्तों नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। Poco X3 Pro भी मैंने इस लिस्ट में नहीं किया बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक है, एंड ये जो Redmi Note 10 Pro 4G फोन है ये भी बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक जाएगा। यू कैन गो एंड बाय इट, इसके स्पेसिफिकेशंस आपको रटे हुए हो गए होंगे पिछले साल से। सो मैं ये बोलूंगा कि अभी वेट कर लो, Poco X4 Pro भी आ सकता है और Redmi Note 11 Pro, Pro Max, क्या क्या नहीं आएगा। सो Xiaomi एंड Poco लवर्स प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ्स अपडेट। तो ये तो दोस्तों सारे के सारे फोन्स जो आप 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में खरीद सकते हैं विद द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ कोर्स। आई होप आपको लिस्ट पसंद आई होगी। क्या आप Poco के नेक्स्ट फोन के लिए, Poco X4 के लिए वेट कर रहे हैं? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अपने अगले वीडियो के लिए दोस्तों गुड बाय।